ईरान ने कर दिया हमला। जी हाँ, ईरान ने इसराइल पर अब तक की अपडेट ब्रेकिंग न्यूज थोड़ी ही देर पहले भारत के वक्त के मुताबिक रात 10 बजे ईरान ने कर दिया है हमला। 200 बैलिस्टिक मिसाइल की जानकारी मेरे पास है, 200 बैलिस्टिक मिसाइल। और इस बार ईरान ने, अभी कुछ ही देर पहले मैंने आपको अपडेट दिया था कि ईरान हमला करने की तैयारी कर रहा है और ईरान ने इधर हमला कर दिया। जितनी देर में आपको यह अपडेट मिला उससे पहले बता दूं कि ईरान ने हमला भी कर दिया, 200 बैलिस्टिक मिसाइल, वो भी 12 मिनट के अंदर इसराइल के इलाकों के पास पहुंच चुकी है। हालत ऐसी है कि जब रॉकेट लॉन्च हुआ है, मिसाइल लॉन्च हुए हैं, तो ईरान में खुशियां मनाई जा रही है। और जब इराक के ऊपर से और दूसरे मुल्कों के ऊपर से भी उन मिसाइलों को रोकने की कोशिश की गई है, तो मिसाइल रुकी नहीं है, सीधा इसराइल दंदनाकर पहुंच गई है मिसाइल। देखिए और शेयर कीजिए फटाफट जल्दी से। Baba bilem hiç yere koymayacağım. Fıran'dan sonra sabah yollayacağım dede o zaman. हजरत वो पल था जब ईरान की मिसाइलें, 200 मिसाइलें ईरान की जब पहुंची हैं इसराइल के आसपास, तो इसराइल की एक जगह भी ऐसी नहीं थी जहां पर सायरन न बज रहा हो। देखिए עשרות טילים. כולם לרדת. אני נמצא בצפון יפקן. יש ירוקים מעל הראש שלנו. שבילי, שבילי. ירים מכיוון שבי. כיוון מכיוון שבי. अमेरिका की हालत इतनी खराब है, अमेरिका ने अपना परमाणु B2 बॉम्बर ही मिडिल ईस्ट भेज दिया है, यानी इजराइल भेज दिया है। भाई साहब महायुद्ध छिड़ चुका है। अब बस ये भी ध्यान दीजिएगा जो मैं कुछ दिन पहले आपसे कह रहा था, कल भी कह रहा था कि अगर ईरान हमला करेगा तो देखिएगा कौन अरब मुल्क साथ देता है। जो ईरान को गालियां बकते हैं वो सब के सब सुअरों को पकड़कर लाइए जरा बीच में और उनकी नरेटी, इनकी गर्दन पकड़ के पूछिए कि बता तेरा कौन बाप है, कौन अरब मुल्क ईरान का साथ देगा। उधर ब्रेकिंग न्यूज यह है, बड़ी खबर है, तुर्की ने साफ कह दिया है कि हम अपने एरिया को इस्तेमाल नहीं होने देंगे, एयर स्पेस को इस्तेमाल नहीं होने देंगे कि कोई भी देश हमारे ऊपर से उड़कर ईरान पर हमला करे। यह होती है बात। हजरत मैं आपको बता देना चाहता हूं यह ब्रेकिंग न्यूज है, हमारी टीम लगी हुई और इंशाल्लाह आपको तमाम जानकारी देती रहेगी। जल्दी जल्दी इस रिपोर्ट को, वीडियो को शेयर कीजिए। आज सोने का दिन नहीं है, आज जागिए और इंतजार कीजिए हमारे अगले अपडेट का।